हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स स्मार्टफोन के बारे में और इसके हाइपर ओएस अपडेट के बारे में। हाइपर ओएस का जो अपडेट है वो आपको इंडिया में कब तक देखने को मिलेगा, अपडेट की जो टोटल साइज है वहाँ पर इस बार कितनी रहने वाली है और कौन कौन से नए फीचर्स हैं वो इस अपडेट के अंदर एड किए जाएंगे, तो कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो को एंड तक वॉच करते रहिए। वीडियो आप लोगों को ये पसंद आती है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना, ताकि फ्यूचर में जैसे इस अपडेट को इंडिया में रोल आउट किया जाता है तो वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी और आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको भी यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। सो गाइस, काफी सारे स्मार्टफोन है जिनके लिए इंडिया में अपडेट्स हैं वो यहाँ पर रोल आउट होना स्टार्ट हो चुके हैं, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। और इसी तरह आप लोगों को Redmi Note 10 Pro Max स्मार्टफोन के लिए भी काफी जल्दी अपडेट है वो देखने को मिलेगा। अब हाइपर ओएस का जो अपडेट है वो तो यहाँ पर कंफर्म्ड हो चुका है कि आपको मिलेगा ही, लेकिन Android 14 का अपडेट है वो अभी कंफर्म नहीं है कि आपको Redmi Note 10 Pro Max स्मार्टफोन के लिए मिलेगा या फिर नहीं, तो उसके लिए तो हम लोगों को यहाँ पर वेट करना ही पड़ेगा। तो हाइपर ओएस का अपडेट है वो आपको काफी जल्दी मिलेगा, आप लोगों को वेट करना है क्वार्टर 2 का। मैंने इससे पहले एक और वीडियो अपलोड करी है Redmi Note 10 Pro स्मार्टफोन की, उसके अंदर में मैंने आपको बताया है कि दोनों स्मार्टफोन के लिए लगभग एक साथ में ही अपडेट है वो रिलीज किया जाएगा। क्वार्टर 2 के अंदर आपको मई मंथ का वेट करना है। क्वार्टर 2 के अंदर आपको 3 मंथ मिलते हैं, अप्रैल, मई, जून, और इन 3 मंथ के अंदर आपको अपडेट है वो कभी भी देखने को मिल सकता है। तो ज्यादा एक्सपेक्टेड है कि मई का जो मंथ है ना उसके सेकंड वीक के अंदर आपको अपडेट है वो कभी भी देखने को मिल सकता है। अब बात करें कितनी अपडेट की जो टोटल साइज है वो आपको मिलेगी, तो एंड्रॉइड 14 का अपडेट है वो अभी कंफर्म नहीं है, तो अपडेट की साइज आपको मिलेगी 2GB से लेके 2.5GB के बीच में, कितनी भी अपडेट की साइज है वो यहाँ पर रह सकती है। और टेस्टिंग है वो काफी पहले से चल रही है, लेकिन Xiaomi को कुछ एक्स्ट्रा टाइम चाहिए होता है कि एक स्मार्टफोन के लिए ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर ये लोग टेस्टिंग कर सके, तो टाइम मैंने आपको बता दिया है। बाकी इस अपडेट के अंदर आपको फर्स्ट चेंज मिलेगा, ऑफिशियल हाइपर ओएस का नया कंट्रोल सेंटर आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी सेटिंग एप्लीकेशन है उसका यूआई है वो आपको थोड़ा डिफरेंट देखने को मिलेगा, जितने भी जो टेक्स्ट है वो भी आपको सारे डिफरेंट देखने को मिलते हैं। कैमरे का जो यूआई है वो भी आपको यहाँ पर चेंज देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पर कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। और सबसे बड़ा फीचर इस अपडेट का वो है लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन, तो आपको यहां पर कुछ इस प्रकार की लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन मिलेगी। अभी मैंने कोई भी थीम अप्लाई करके नहीं रखी है, सिंपली आपको इस पे क्लिक करके रखना है। तो ये सभी आप लोग जो फीचर्स देख रहे हो ना वो हाइपर ओएस अपडेट की लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन के, तो जितने भी आपको यहां पर ये जो स्क्रीन नजर आ रहे हैं ना इन सभी को आप लोग अप्लाई कर सकते हो और इनको भी आप लोग यहां पर कस्टमाइज कर सकते हो। तो इस बार काफी इंटरेस्टिंग हाइपर ओएस का अपडेट है, आप लोगों को हमारी किसी भी वीडियो को यहां पर वॉच कर लेना है। Redmi Note 12 Pro की वीडियो को आप लोग वॉच कर सकते हो, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने आपको जो फीचर्स बताए हैं सेम वही फीचर्स है वो आपको Redmi Note 10 Pro Max स्मार्टफोन के लिए भी देखने को मिलेंगे। बाकी यही था इस अपडेट के अंदर। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।